वीर देखो मेरे कांटे में बड़ी मछली फंसी है। वाह चिल्बिल तुमने तो कमाल कर दिया। वाह खींचो उसे। अरे टिम्बकटू तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फिर कोई गड़बड़ करने आया है यहाँ? नहीं नहीं मैं तो पानी में गोल्डन फिश ढूंढ रहा था। हाँ। अच्छा ये गोल्डन फिश। चुलबुल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 बचाओ मर गया। अरे मैं मर गया। अरे ये मधुमक्खियां मुझे काट रही हैं। कोई बचाओ। बॉस। अरे कौन हो तुम? मैं टिम्बकटू हूँ बॉस। तुम ये क्या हाल बना रखा है? बॉस मेरी ये हालत ना वीर ने की है। उसने मुझ पर मधुमक्खियाँ छोड़ दी। क्या? वीर की इतनी हिम्मत तुम्हारी ये हालत कर दी? नहीं छोड़ूंगा उसको। आ, 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 बॉस, ये देखो मधुमक्खी। थैंक्स थैंक्स बॉस थैंक्स। बॉस बॉस ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या है इन बोरियों में? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? खजाना नहीं बॉस, इसमें कैलेंडर्स हैं। देखिए ये क्रॉस का निशान इस कैलेंडर की तारीखों पे क्यों है? बॉस ये वो दिन है जब जब आप वीर को फिनिश करने में फेल हो गए थे। मियाओ, मतलब इतने सालों से बॉस फेल होते आ रहे हैं? तो तू यहाँ मुझे मेरी नाकामयाबी दिखा रहा है? ये क्या कर दिया? मेरे नए एक्सपेरिमेंट के सारे केमिकल तूने बर्बाद कर दिया है। मुझसे ये गलतियाँ क्यों होती है? दादाजी वीर तो जमीन में चला गया। बॉस आपका काम हो गया। वीर इज फिनिश्ड। वीर yes. तुमने तो कमाल कर दिया। लॉक फिनिश हो गया। बॉस ये तो फिर से बच गया। कैलेंडर में आज फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। आविष्कार पूरा हो गया। अब मैं फुर्सत गंज और वीर को अपने रास्ते से हटा दूंगा। बॉस यू आर जीनियस। पर बॉस आपका ये आविष्कार नजर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्या कमाल किया है आपने? तुम मेरे आविष्कार का कमाल देखना चाहते हो तो ये देखो।
फुर्सतगंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है। हमें पानी के रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज रात देखना न भूले कैसे सुलझाया हमने पानी का रहस्य। दादाजी, क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है। हाँ, मैं भी डर गया था। दादाजी जल्दी कीजिए, पानी दीजिए, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए, वाह, थैंक्स। ओए, ये पानी कहां से आ रहा है? थैंक यू वेरी मच पुत्र, थैंक यू वेरी मच। तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते रहते हो? हाँ, जब करो तो सीधी सीधी हरकतें ही करो। मेरा मतलब है कि अकेले मिस्टर चड्डा की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा जिंटू, करनी है तो पूरे फुर्सतगंज की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना अभी तो मिस्टर चड्डा नहाने के पानी के लिए आए हैं, कुछ देर बाद बाकी सारे लोग यहाँ नहाने आ जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है, तो अभी देता हूँ हर सवाल का एक जवाब। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब हर घर के ऊपर क्लाउड है, किसी को पानी की कमी ही नहीं होगी। जिंटू, तुम्हारा एक बखेड़ा बंद नहीं होता और तुम दूसरा खड़ा कर देते हो। बंद करो ये सब और लोगों को भुला दो कि उन्होंने बादल से पानी भरा। क्या बात है ऊपर वाले, तेरे खेल भी निराले हैं। वाह वाह वाह, हर घर के ऊपर बादल, ये तो कमाल हो गया। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। कोई चीटिंग नहीं। ओके, इस गेम में मजा नहीं आ रहा, कोई दूसरा गेम खेलते हैं। पर सब गेम तो पुराने कैसे पिटे हैं, कुछ नया नहीं है। हे चिड़ियो, तुम्हें मेरा ही मुंह दिखा क्या बीट करने के लिए? बच्चों आ जाओ, तुम सब के लिए गर्मा गर्म दूध लाया हूँ, जल्दी आ जाओ। थैंक यू दादाजी। तुम लोग सुबह से खेलने में लगे हो, बरसात का मौसम है, ठंड लग जाएगी, इसलिए ये गर्मा गर्म दूध तो ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें जुकाम नहीं होगा, समझ गए? अभी देखना दादाजी कितना परेशान होते हैं। ओहो वीर, तुम्हें जुकाम हो गया है, इसी का डर था। चलो जल्दी जल्दी घर चलो, तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं खेलना चाहिए, चलो चलो चलो। दादाजी आप हमेशा भूल जाते हो कि मैं एक रोबोट हूँ, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रोबोट को जुकाम नहीं होता। शैतान, ये मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ है? क्योंकि मैं तुम्हें तो रोबोट समझता ही नहीं। ओके, एंजॉय बच्चों, चलता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। जिंटू क्या कर रहे हो, ये जादू खत्म करो। नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ इसे वापस कर दो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ओह नो,
यहाँ से, ये मेरा रेनबो है। चिंटू बंद करो ये जादू, पूरी दुनिया को दिखाओगे क्या? नहीं नहीं वीर, हमें बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी मम्मी, वीर ने ना आसमान से रेनबो गार्डन में मंगवा लिया है और वो मुझे रेनबो में नहीं खेलने दे रहा। ओए क्या बोल रहे हो, रेनबो भी कभी नीचे आ सकता है क्या? हाँ मम्मी, वो देखो वहाँ। बंटी मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जाओ और मुझे काम करने दो। पता है क्या हुआ था? सर मैडम, वहाँ गार्डन में वीर, इमली सब रेनबो पर खेल रहे हैं। क्या बात करते हो, रेनबो पर? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, रेनबो पर, रेनबो गार्डन में उतर आया है। सच्ची सच्ची सच्ची। ओके चलो देखते हैं, तुम मुझसे तो झूठ नहीं बोलोगे। हाँ चलिए चलिए। ये तो मैजिक है, अमेजिंग, ये तो सच में जादू है। मजा आ गया, स्कूल के दिन याद आ गए। ए बंटी भागो यहाँ से वरना मार खाओगे। मैं नहीं भागता, मैं भी छूरूंगा, ये गार्डन सबके लिए है समझे। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। मिस्टर कैक्टस, आप इस गार्डन के सिक्योरिटी ऑफिसर हो, इस लड़की को यहाँ से भगा दो। भगा दो भगा दो, देखता हूँ कौन मुझे भगाता है। बचाओ बचाओ इसे, बचाओ। चिंटू मेरे दोस्त, इतना किया है तो कुछ गाजर भी भेज दो। अरे अरे ये गाजर मेरी है, मेरे लिए गिरी है। ओए ये कैसे हो सकता है, रेनबो नीचे कैसे आ सकता है जी? हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता। आ गया है आ गया है, वो देखो, अब सोच क्या रही हो, चलो मस्ती करते हैं। उठ उठो मुझ पर से, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। भागो जी। ए, ए, मेरी वाइफ का पीछा छोड़ो। अच्छा तो रुको, तुम्हारे पीछे पड़ जाती हूँ। भागो। मेरे दोस्त, I'm very sorry, माफ कर दो मुझे, sorry। चिंटू पहले ये जादू खत्म करो। वीर जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं माफी मांगता ही रहूँगा। अरे तुम और कब तक मुझे पिटवाते रहोगे, जादू खत्म करो। जादू तो कभी भी गायब हो जाएगा, पहले मुझे माफ करो। वीर तुम्हारा ये दोस्त बहुत नादान है, ना समझ है, प्लीज उसे माफ कर दो। माफ कर दो वीर, सिर्फ एक बार। वीर माफ कर दो जिंटू को, माफ कर दो। ठीक है तुम सब कहते हो तो माफ करता हूँ, चलो अब जादू खत्म करो। ओके थैंक यू वीर, तुम बहुत अच्छे हो। वीर तुम जैसा दोस्त मिलना मुश्किल है। नहीं नहीं पहले मैं ये तो बता दूं, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ हाँ वीर सबसे अच्छा दोस्त है, अब जादू खत्म करो। ओके थैंक्स। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ओ जी हम लोग यहाँ गार्डन में क्या कर रहे हैं? ओ हाँ हम गार्डन में क्या कर रहे हैं, चलो चलो घर चले, देर हो रही है। बाय सर, बाय मैम। रुको, कहाँ जा रहे हो? क्यों ना हम वीर को सरप्राइज पार्टी दे, इमली से जाके बात करता हूँ। आज गिरना ही लिखा है क्या? जुबल तुम जमीन पे लेटे हुए क्या कर रहे हो?
अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। चुबल, तुम्हें पता है आज वीर का बर्थडे है, क्यों ना हम उसे सरप्राइज पार्टी दें? अरे यही तो मैं तुमसे कहने आ रहा था। और सुनो, ये बात जिंटू को मत बताना, उसे बताया तो वो वीर को बता देगा, उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। नहीं इमली, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसकी लॉयल्टी हमसे कम वीर के साथ ज्यादा है। ओ वाओ, इतना सारा खाना, चल चिंटू शुरू हो जा। चिंटू क्या कर रहे हो ये, भागो यहाँ से, भागो, चलो जाओ। चिंटू भगाओ इसे। चिंटू जाओ वरना दुलट्टी मारूंगा, हम तुम्हें बाद में बुलाते हैं। मुझे तो भगा दिया, देखता हूँ दादाजी को कैसे भगाओगे। बेटा ये सब बहुत टेस्टी है, थैंक यू बेटा। वेलकम दादाजी। चुलबुल, मुझे दाल में कुछ काला लगता है, अभी पता चल जाएगा। जिंटू ये लो, चाट भी है। चाट कहाँ है, कहाँ है, जल्दी दो। सॉरी, खुद को रोक नहीं पाया। चुलबुल चलो फिर से मार्केट जाना पड़ेगा, केक मिठाई सब खरीदते। अब मेरे ऊपर दोष मत लगाना। वीर, वीर, रुको, रुक जाओ। बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये लो, ये लो, और भी लो। ये लो, ये बच्चो। ये क्या? ये लो। वो मारा। मजा आ गया। और मारो, और। अपनी पार्टी में ले जाने का टाइम आ गया है। बाय। क्या हुआ बच्चों? दादाजी, वीर के लिए हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी और वीर ने सब चौपट कर दिया। वो उस कमरे में छुपा है, जाओ और पकड़ लो उसे। वीर, डर के छुपे क्यों हो? हिम्मत है तो लाइट जलाओ। मैंने और चुलबुल ने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी और तुम सब सामान खा गए। ओ नो, मुझे नहीं पता था तुमने पार्टी रखी है। वैसे मैंने कुछ नहीं खाया, ये जिंटू की शरारत होगी। लाइट जलाओ ना, फिर अंधेरा क्यों है? ये क्या वीर? मैं तुम लोगों को सरप्राइज पार्टी देना चाहता था और तुम लोग मुझे। हैप्पी बर्थडे वीर। हैप्पी बर्थडे वीर। बच्चों जल्दी से केक काटो। वाह, आज सब मेरे बिना ही पार्टी कर रहे हैं। जिंटू, सॉरी, वैसे आज क्या है जो सब पार्टी कर रहे हैं? आज वीर का बर्थडे है, लेकिन पार्टी तो तब होगी ना जब तुम्हारे भूखे पेट से कुछ बचेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम।
हैप्पी बर्थडे वीर। वाव, कितना सुंदर केक है। चलो वीर, अब केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वीर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वीर। ये मेरी तरफ से सरप्राइज पार्टी है। जिंटू। तुम लोगों को मेरे टिफिन की खुशबू नहीं आ रही है क्या? नहीं तो? पर ऐसा क्या है तुम्हारे टिफिन में? अरे आज मेरी मम्मी ने बड़ी खास चीज भेजी है। वो क्या? आलू के पराठे और आम का अचार। आलू के पराठे, आम का अचार। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह, मजा आ गया। तुमने मेरे आलू के पराठे खाए? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर, सर, चिंटू ने मेरा टिफिन खा लिया सर। क्या कोई खास चीज थी तुम्हारे टिफिन में? हाँ सर, मेरी मम्मी ने आलू के पराठे भेजे थे। चिंटू, तुम यहाँ मत आया करो। तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए अगर वीर से मिलना है तो बाहर ही मिला करो। दोबारा स्कूल में दिखाई मत देना। चलो अब यहाँ से रवानगी डाल लो। चिंटू, तुम जाओ यहाँ से और यहाँ फिर मत आना। मिस्टर कक्कड़, कुछ दिनों के लिए एक टेम्पररी टीचर चाहिए। अब आया बात में नमक। अब देखता हूँ कोई कैसे मुझे वीर से दूर करता है। मैं स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, टीचर बन जाता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सर, मैं टीचर हूँ। मेरा नाम हरदयाल शर्मा है, मुझे जॉब चाहिए। ओके, मिस्टर शर्मा, आप अपनी डिग्री दिखाइए। एक मिनट, बताता हूँ मुझे कितने डिग्री टेम्परेचर है। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? डिग्री? मुझे आपकी डिग्री चाहिए। मतलब कि जैसे किसी के पास डॉक्टर की डिग्री होती है, किसी के पास इंजीनियर की, किसी के पास पायलट की, वैसे ही हर इंसान के पास अलग अलग डिग्री होती है। हम आपका कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस और आपकी डिग्री एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ओ, मेरी डिग्रीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देख लीजिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पायलट भी? ओह नो, आप साइंटिस्ट भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम अमेरिका, स्कल्प्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, सब कुछ। क्या बात है, आप तो चलते फिरती यूनिवर्सिटी हैं। फिर आप पढ़ाना क्यों चाहते हैं? बिकॉज आई लव ईटिंग, मेरा मतलब है टीचिंग। ओ, तो ये बात है। फिर तो आपको अभी के अभी ये नौकरी दी जाती है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्टूडेंट्स और टीचर्स से मिला देता हूँ। बच्चों, ये तुम्हारे टेम्पररी टीचर हैं। मिस्टर शर्मा, आप इस क्लास को पढ़ाइए। लंच ब्रेक में सब टीचर्स से आपकी मुलाकात होगी। ओके सर। ये तो जिंटू के जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जिंटू का कोई भरोसा नहीं, वो तुम्हारे करीब रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके बच्चों, एक लाइन से अपना नाम बोलो। सर, सर। अच्छा छोड़ो, नाम पूछ के क्या फायदा, मैं तो टेम्पररी टीचर हूँ, नाम याद ही नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का कौन है? अच्छा छोड़ो, जान के क्या फायदा। हाँ तो ये बताओ, पढ़ाई में सबसे तेज लड़का कौन है? अच्छा छोड़ो, क्या फायदा, मैं तो टेम्पररी हूँ। सर, वीर है, ये जो मेरे बगल में बैठा है। वीर, तुम खड़े क्यों नहीं हुए?
क्योंकि अपनी तारीफ अपने आप करना अच्छी बात नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन अब खड़े हो जाओ क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। लो तुम खाओगी। ये तीर तो बंटी बेटे, अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। ए तुम, तुम्हारा नाम क्या है? बंटी। और तुम लोग जो हंस रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? केकी। केकी। हाँ, तो तुम लोग बेंच पे जाके खड़े हो जाओ। क्यों क्यों सर, क्यों? क्योंकि स्कूल में फोन लाना मना है और तुम लोगों की जेब में फोन है। नहीं सर, हमारे पास कोई फोन नहीं है। तो देखो अपनी पॉकेट्स में। सर ये हमारा नहीं है, ये पक्का जिंटू ही है, अभी बताता हूँ इसे। ये क्या कर रहे हो जिंटू, वापस जाओ। कौन जिंटू, किसकी बात कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सर, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। ये लंच ब्रेक कब होगा? जब घंटी बजेगी सर। सर जरा चाट खाने चलें। हाँ चलो चलो। मैं चाट नहीं खाता। Out, you may go now. वीर, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा कि मैं जिंटू हूँ। पर मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूँगा जिंटू। न्यू टीचर मिस्टर शर्मा, आई एम मिसेस सेन गुप्ता। आपको देख के लगता नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर और पता नहीं क्या क्या हो। यकीन तो मुझे भी नहीं होता। सर आप टिफिन नहीं लाए? नहीं। ओह, कोई बात नहीं, टेस्ट माय फूड। सब आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सब में से खाइए, खाइए ना सर। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अब मैं जब तक स्कूल में हूँ, आप सबका टिफिन यू ही हर रोज खाता रहूँगा, ताकि आपको बुरा ना लगे। और आप ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं तो मैं घमंडी हूँ। मैं आपसे यू ही घुल मिल के रहूँगा। पापा, पापा, कौन पापा, किसका पापा, कैसा पापा, कौन हो तुम? पापा मुझे भूल गए। अरे भाई मेरा कोई बेटा नहीं है, कौन हो तुम? अरे अरे कौन हो तुम? क्यों जी, क्यों रुला रहे हो हमारे बेटे को? नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, झूठा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है, मैं तो चला। अरे सर क्या कर रहे हो, घर में झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इस तरह अपनी फैमिली को छोड़ देना ठीक नहीं है। कितना प्यारा बच्चा है, इस बच्चे की तो शक्ल भी आपसे हूबहू मिलती है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। शर्मा जी होकर भी आपको शर्म नहीं आती? पापा किसी दो ना, किसी दो, किसी दो पापा, किसी दो। एक दूंगा, लगता है कोई मेरी बात मानेगा नहीं और ये मुसीबत मेरे गले पड़ आएगी। सर सर, जिंटू मेरा दोस्त है, उसके साथ ऐसा मत करो सर, मुझे भी नहीं पता था कि आप उसके पापा हैं। सर क्या मैं आपको अंकल बोल सकता हूँ? बोल बोल बेटा, और मुझे आंटी बोलना। वीर ये जिंटू नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। ये जिंटू है। ये जिंटू नहीं है। यही जिंटू है। नहीं है। ये नहीं है तो कौन है? मैं हूँ जिंटू, मैं हूँ। उप्स सॉरी। ओके ओके वीर, तुम जीत गए, मैं हार गया। अरे तुम जिंटू हो तो फिर ये कौन है? ओके नाना जिन, तो आप इनकी मदद कर रहे थे। सॉरी नाना जिन। सॉरी वॉरी बाद में बोलना, पहले सबको भुला दो कि तुम यहाँ टीचर बन के आए थे। मैड मैक्स।
बॉस बचाओ, कहाँ फंसा दिया, निकालो मुझे बॉस। You're genius, boss. She is right, boss. Try करके देखता हूँ। ये क्या किया? अरे वील पे फायर करना है। इस गन में जो केमिकल है उसी से ये फूटेगा और किसी चीज से नहीं फूटेगा। अभी देखता हूँ ऐसा कैसे होता है। मैं ऐसा जादू करूँगा कि अगर वीर को पनिशमेंट मिलेगी तो जो वीर को टच करेगा वो वीर पे तरस खा के वीर की पनिशमेंट अपने ऊपर ले लेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। वीर तुम बेंच पे क्यों खड़े हो, क्या बात है? सच सच बताओ वीर, क्या हुआ? कक्कर सर ने मुझे पनिशमेंट दी है जबकि मैंने कोई गलती नहीं की है। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। चलो चलो तुम नीचे उतरो, मैं तुम्हारे बदले बेंच पे खड़ी होती हूँ। नहीं नहीं तुम नहीं, वीर की पनिशमेंट मैं लूंगी। He is a very good boy. नहीं नहीं मैं पनिशमेंट लूंगी, वीर की पनिशमेंट तो मैं ही लूंगी। वीर तुम जाओ। अरे अरे आप दोनों, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वीर की पनिशमेंट माफ करता हूँ, प्लीज आप लोग जाइए। नो 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 नो, बुर्का बना दो। नहीं नहीं वीर को हम नहीं मार सकते, उसकी जगह हम पिटेंगे। पागल हो गया है क्या, उसका साथ देगा वीर का? वो हमारा दुश्मन है। लगता है अब से ये भी अच्छाई का साथी बन गया है। चलो इसे भी मारो। जमा के इसे। अरे अरे रुक जा, ये क्या हो रहा है? दुश्मन को मारो, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सब जादू तुम्हारा है क्या? जो मुझे मारने जाता है वो खुद ही पिटने को तैयार हो जाता है। नहीं तो सॉरी मैं चाट खा के आता हूँ। क्या हो रहा है, आपस में क्यों लड़ रहे हो? चिंटू ये सब तुम्हारा ही जादू है, तुम मानो या ना मानो। चलो अब इन सब का जादू दूर करो। ओके बॉस अभी लो। हम एक दूसरे को मारपीट क्यों रहे थे? पता नहीं, लगता है यहाँ कोई भूत है, भागो यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ के क्यों भाग रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक जा। वीर मैं यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं अंकल, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि आप गुंडों को मार मार के भगा रहे थे। मैं गुंडों को मार मार के भगा रहा था? वेरी गुड, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा था? ये एक लंबी कहानी है, जाने दीजिए। वीर मैं दो तीन दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, मैं एक खास दोस्त से मिलने, तुम घर का ख्याल रखना। मैं दादाजी बनकर जाऊंगा और ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का सारा डेटा वीर के घर से चुरा कर लाऊंगा। अरे दादाजी आप वापस आ गए? अरे हाँ, मैं जिस दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था वो तो मुझे मिलने खुद ही यहीं आ गया, क्या इत्तेफाक है। ओए आजा दिलदारा गले मिल। पहले पता करना होगा डॉक्टर प्रेम साहब का लैब कहाँ है। वीर जरा मेरी लैब से लैपटॉप ले आना। एक मिनट वीर रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। अपने दोस्त को जरा लैब भी दिखा देता हूँ। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है।
ड्रीम स्टाइल में वो डिस्क करती है। फोन तो रहा हूँ बॉस। एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। तो यहाँ मैड मैक्स दादाजी बनकर आया है और टिम्बकटू उनका दोस्त बनकर। अभी ठीक करते हैं इनको? नहीं नहीं अभी नहीं, ये आ ही गए हैं तो ऐसा मजा चखाएंगे कि फिर लौटकर नहीं जाएंगे। दादाजी क्या ढूंढ रहे हैं? अपनी सारी हार्ड डिस्क कौन सी ड्रॉअर में रखता हूँ याद नहीं आ रहा। दादाजी उसे बाद में ढूंढ लीजिएगा, आपको रोज की तरह जाना नहीं है। जाना तो है पर मैं कहाँ जाता हूँ रोज? Yes, दादाजी, आप कर सकते हो। दादाजी, मेरे यार, बॉडी पेन का बाम लगा दे। क्या लगा दिया, पूरा बदन चल रहा है। मैं खाना बना के लाता हूँ। क्या 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 बना के लाते हो? 20 मिर्ची के पराठे और 20 ग्लास करेले का जूस भी तो आप पीते हैं। नहीं नहीं, और नहीं खा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दादाजी आपने कहा था जब भी आप मना करें तो मैं जबरदस्ती आपको खिलाऊं, क्योंकि ये खाना आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखता है। मैं कहां के फंस गया, ये तो मेरी जान लेने की इच्छा है। दादाजी ये लो कॉकटेल जूस, यानी के ऑरेंज और मौसम्बी। ये करेले और मिर्ची का जूस है। क्या आपने कहा था ना जब भी आप मना करो तब मैं आपको जबरदस्ती पिलाऊं। अब मेरे स्पेशल रोबोट आके वीर को खत्म कर देंगे। दुश्मन की तस्वीर तुम्हारे अंदर फीड है, उसे खत्म कर दो। एनिमी इन फ्रंट अटैक। मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। अरे बेवकूफ हो, बैटमैन। बॉस, आपका चेहरा डॉक्टर प्रेम सहाय की तरह है, इसीलिए वो आपको मार रहे हैं। ड्रिलिंग सूट ऑन। ड्रिलिंग सूट ऑन। इस सब का सवाल है, एक मक्खी नहीं मार पाए तो
लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। हिलना मत बॉस, हिलना मत। बस खाओ।